अभी तो चंद्रयान के साथ हो जाता सबसे बड़ा खेल, इसरो ने किया हमारे चंद्रयान 3 को सेफ, एक नहीं दो नहीं पूरे 6 सैटेलाइट से बचा हमारा चंद्रयान, इसरो ने किया है अब सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी अभी इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने मीडिया को वो एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हमने अपने चंद्रयान को सेफ कर लिया है और उसका रास्ता भी दूसरी तरफ मोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि अगर चंद्रयान 3 को सही समय पर दूसरे रास्ते पर नहीं ले जाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ और इसरो के को चीफ डॉक्टर के सिवान ने मीडिया से बात करते हुए अभी कई बड़ी जानकारी दी हैं। उन्होंने 5 बड़ी जानकारी दी हैं। इन जानकारियों को सुनने के बाद पूरे के पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। बताया जा रहा है कि अगर इसरो के चीफ एन मौके पर यह डिसीजन नहीं लेते तो बताया जा रहा था कि हमें अपने चंद्रयान से शायद हाथ धोना पड़ जाता। खबर आ रही है कि हमारा चंद्रयान फिलहाल बिल्कुल सेफ है, लेकिन यह सब काम हुआ कैसे और कैसे इसरो ने किया, इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसरो के लिए आपके भी मन में सम्मान खड़ा हो जाएगा। बता दें कि इसरो ने इतने चतुराई से और इतनी बारीकी से इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया कि हमारा चंद्रयान 3 आज सेफ है, नहीं तो हमारा चंद्रयान 3 पता नहीं स्पेस में कहाँ गुम हो गया होता। खबर आ रही है कि इन सभी चीज़ों के बाद अब इसरो ने एक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे कि अमेरिका की नासा, रूस की स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा और चाइनीज स्पेस एजेंसियों में हड़कंप मच चुका है। ये जो 4 स्पेस एजेंसियों के नाम मैंने आपको बताया, ये दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजेंसी हैं, लेकिन अब इसरो इनमें शामिल भी हो चुका है। इसरो 5वां कंट्री बन चुका है जो अब एक बड़े स्पेस एजेंसी में उसका नाम जुड़ा जाता है, और इसी वजह से इसरो आज इतना बड़ा कारनामा भी कर पाया है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे हमारा चंद्रयान 3 गिर जाता, या फिर हम ये भी जानेंगे कि इसरो ने ऐसे कौन से 5 बड़े काम किए जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसरो ने जो बड़ा ऐलान किया है उस ऐलान के क्या मायने हैं और दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इसरो के इस ऐलान से क्यों पूरी तरीके से अचंभित हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके विस्तार से इसी वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको वो 5वां सबसे बड़ा कारण बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके मन में इसरो के लिए सम्मान की भावना तो उठ ही जाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों को बताने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इसरो को जय हिंद जय इसरो लिख करके उसका मान सम्मान बढ़ाएं, साथ ही साथ एक लाइक तो बनता ही है। दरअसल बता दें कि इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ और को चीफ डॉक्टर के सिवान ने मीडिया से भी बात की है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सिवान ने एक बड़ी जानकारी मीडिया को दी है। इन बड़ी जानकारियों में 5 ऐसे तथ्यों पर उन्होंने खुलासे किए हैं जो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं थे। बताया जा रहा है कि इसरो ने जो बात मीडिया को बताई है वो बात सुनने के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अब इसरो के लिए सम्मान के भाव से देख रही हैं, तो वहीं भारत के जो लोग हैं वो इसरो की इस बात को सुन करके एकदम से उनको ऐसा लग रहा है जैसे मान लो इसरो नहीं हमारे पास ही भगवान आ गया हो। जी हाँ, तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या था पूरा मुद्दा। दरअसल इसरो ने अभी अभी मीडिया से बात करते हुए यह बताया है कि हमारे स्पेस में, जी हाँ जी, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 ऑर्बिट कर रहा है चंद्रमा के चारों तरफ, आपको पता है चंद्रमा है, चंद्रमा के चारों तरफ हमारा चंद्रयान 3 ऑर्बिट कर रहा है और धीरे धीरे वो उतरेगा। इन्हीं ऑर्बिट में जो कर रहा है, जिस रास्ते पर वो ऑर्बिट कर रहा है, उस रास्ते पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे के पूरे 6 सैटेलाइट है। जी हाँ, जब इसरो को पता चला कि इसी ऑर्बिट में 6 सैटेलाइट हैं तो इसरो के कान खड़े हो गए। इसरो को लगा कि अब इन 6 सैटेलाइटों से हमें 6 बार नहीं है, बल्कि जितनी बार चक्कर लगाएंगे, अगर 6 चक्कर लगाएंगे तो हमें 36 बार बचना है, और 36 बार बचने की प्रक्रिया में अगर हमें से एक बार भी भूल हुई, एक बार भी चूक हुई, तो ये हमारा जो चंद्रयान 3 का मिशन है यह पानी में मिल जाएगा। जी हाँ, जब इसरो को पता चला कि दरअसल मून का जो ऑर्बिट है वह 6 सैटेलाइटों से इस समय भरा हुआ है, तो इसरो के कान खड़े हो गए। इसरो ने तुरंत ही अपने चंद्रयान 3 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेंसर
का उपयोग करना शुरू किया जो इन सभी 6 सैटेलाइट की स्पीड को मॉनिटर करते हैं। इसरो ने सबसे पहले किया ये कि उन 6 सैटेलाइट को एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद फिर उन 6 सैटेलाइट की स्पीड को ट्रेस किया और उनकी दिशा को ट्रैक किया। अब इन तीनों चीज़ों के ट्रैक हो जाने के बाद इसरो ने उन 6 सैटेलाइट को अपने चंद्रयान 3 के स्पीड और दिशा से जोड़ा और ऐसा एक एल्गोरिदम बनाया जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उन 6 सैटेलाइट से हमेशा बारीक बारीक सा बचता गया। देखिए, ये स्पेस है, यहाँ पर हम दिशा बहुत आसानी से नहीं बना सकते क्योंकि स्पेस में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपके पास न तो पूरब होगा, न तो पश्चिम होगा, न तो दक्षिण होगा, न तो ऊपर होगा, न तो नीचे होगा, हर जगह आपको दिशाहीन ही दिशाहीन लगेगा। ऐसी स्थिति में इसरो ने अपनी दिशा का निर्धारण किया और इसरो ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया उसको देख करके नासा भी नतमस्तक हो गया क्योंकि स्पेस में आप रास्ता नहीं बना सकते हैं। आप पृथ्वी पर रास्ता बना सकते हैं, आप चंद्रमा पर रास्ता बना सकते हैं, लेकिन स्पेस में नहीं बना सकते हैं क्योंकि स्पेस अनंत है। आप एक जगह खड़े होंगे स्पेस में तो आपको पता नहीं कितने लाख किलोमीटर तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो आप खुद सोचिए आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पूर्व है कौन सा पश्चिम। स्पेस में जब आप खड़े होंगे तो वहां पर सूर्यास्त नहीं होता है, हमेशा सूर्य चमकता रहेगा, समय के साथ सूर्य एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि यही पूरब है या फिर ये उत्तर हो गया है या फिर ये पश्चिम हो गया है, आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से स्पेस में जो दिशा है वह बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसरो ने यह कारनामा कर दिया। अब बात करते हैं कि आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, उस सवाल का जवाब देता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि जब इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था तो क्या तब पता नहीं था कि चंद्रमा के ऑर्बिट में 6 सैटेलाइट घूम रहे हैं, 6 जगह ऑक्यूपाइड हैं, उन 6 जगहों को मैनेज करना है। दरअसल देखिए, जब चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा था तो चंद्रमा के सबसे ऊपरी हिस्से पर वो सबसे पहले ऑर्बिट कर रहा था, वो ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से क्लियर था। फिर निचले हिस्से पर आया, वो भी क्लियर था। फिर जब तीसरे वाले निचले हिस्से पर आया तब वहां पर उसे 6 सैटेलाइट मिले। जी हाँ, वहां पर उसे 6 सैटेलाइट मिले। देखिए क्या होता है कि हम किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को ऐसे ही ट्रेस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए हम वो सभी सैटेलाइट को ट्रेस शायद नहीं कर पाए थे और यही कारण था कि ऐन मौके पर ऐन काम करना पड़ा। साथ ही साथ जो इसरो ने सबसे बड़ा ऐलान किया है उसको जब आप सुनेंगे तो आपके मन में इसरो के लिए सम्मान बढ़ जाएगा। तो आइए सबसे पहले वो ऐलान बताते हैं, इसके बाद बताते हैं कि दो और सबसे बड़े काम इसरो के द्वारा क्या किए गए। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है, इस बात का ऐलान किया है कि अब हम, जी हाँ, अब हम अपने चंद्रयान 3 का दिशा पूरी तरीके से बदल रहे हैं। जो 6 सैटेलाइट हमें जिस ऑर्बिट में मिले हैं उस ऑर्बिट को हम छोड़ रहे हैं और अब हम उसके नीचे वाले ऑर्बिट में जा रहे हैं जिससे हमारा वो 6 सैटेलाइट के साथ जो क्लैश है, मतलब कि जो टकराने की संभावनाएं हैं, वो खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम उसको एन मौके पर नहीं छोड़ेंगे तो 6 सैटेलाइट को अगर हम जितनी बार चक्कर लगाएंगे हमें उतनी बार मैच करना पड़ेगा उनकी टाइमिंग को, उनकी दिशा को, क्योंकि स्पेस में आप दिशा नहीं बता सकते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। और ज़रूरी नहीं कि सभी सैटेलाइट जो 6 के 6 हैं वो एक सीधी लाइन में हों, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है जैसे सर्पीला आकार का रास्ता बना हुआ है, आपको टेढ़े मेढ़े होकर जाना होगा जिससे हमारा ईंधन भी फालतू में खर्च होगा और हमें बहुत सारे चीज़ों का बार बार ध्यान देना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए उसने रास्ता बदल दिया है और इस ऐलान के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसरो के सामने इसलिए भी नतमस्तक हो गई हैं क्योंकि जिस ऑर्बिट से इसरो ने अपने चंद्रयान 3 का रास्ता बदला है उस ऑर्बिट से रास्ता बदलना लगभग इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो ऑर्बिट जो होता है एक लॉक ऑर्बिट होता है, इसीलिए वहाँ पर सैटेलाइट वगैरह रहती हैं। जो 6 सैटेलाइट वहाँ पर घूम रही हैं वो इसी वजह से घूम रही हैं क्योंकि वो एक लॉक ऑर्बिट है और वहाँ पर आप अगर किसी सैटेलाइट को रखते हैं तो आप दिशा जल्दी नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, आपको दिशा बदलने के लिए कम से कम 2 महीने का प्रिपेरेशन लगेगा, 2 महीने का टाइम लगेगा, फिर आप अपने सैटेलाइट का दिशा बदल पाएंगे। लेकिन इसरो ने यह काम झट से कर दिया और इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजियाँ निकल के आ रही हैं जो दुनिया को पता ही नहीं थी। जब इसरो ने अपने सैटेलाइट का, अपने चंद्रयान 3 का दिशा बदला तो दुनिया समझ गई कि दरअसल इसरो ने जो चंद्रयान 3 बनाया है वो कभी फेल न होने वाला यान बनाया है।
एक ऐसा मून मिशन है जो वास्तव में इतिहास रचेगा, जो वास्तव में हिस्ट्री में उसका नाम गर्व से लिया जाएगा। इसीलिए चंद्रयान 3 को पूरी दुनिया अपनी नंगी आंखों से देख रही है। बताया जा रहा है कि हमारे चंद्रयान 3 में ऐसे तमाम तरीके के सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है जो दुनिया के किसी भी प्रकार के मून मिशन में नहीं किया गया है। अभी हाल ही में जो रूस का लूना मिशन लॉन्च हुआ है उसमें भी इतने सेंसर इतने कैमरे नहीं है जितने हमारे चंद्रयान 3 के एक हिस्से में हैं। इसीलिए कोई भी, आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी देश या कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी स्पेस एजेंसी लूना 25 को लेकर इतना उत्साहित नहीं है जितना चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित है, क्योंकि चंद्रयान 3 का काम ही बहुत ज़्यादा है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा है और वो वास्तव में काम भी बहुत ज़्यादा करेगा। इसीलिए तो इसरो का मान सम्मान आज पूरी दुनिया में बढ़ा है, इसीलिए भारत का मान सम्मान इसरो ने आज पूरी दुनिया में बढ़ा दिया है। बता दें, इसरो ने यह भी बताया है कि हमने जिस ऑर्बिट को छोड़ा है, अब उस ऑर्बिट को छोड़ने के बाद हम जिस ऑर्बिट के अंदर घुसे हैं वो ऑर्बिट फिलहाल सेफ है। वहाँ पर उस घुसते ही इसरो ने सबसे पहले स्कैन कर लिया कि पूरे के पूरे ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है। अब ऐसे में उन 6 सैटेलाइट से बचने के बाद अब इसरो राहत की सांस ले रहा है। साथ ही साथ इसरो ने बताया है कि अब देखिए हमारे लैंडिंग का समय नज़दीक आ रहा है, अब वो समय आ गया है जब सब भारतवासियों को गर्व से कहना होगा हम भारतीय हैं। बताया जा रहा है कि लैंडिंग का समय नज़दीक आते आते इसरो की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि जैसे जैसे हमारा चंद्रयान 3 नज़दीक पहुँच रहा है वैसे हमारी धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि सबसे मेन काम होता है लैंडिंग। जब लैंडिंग सेफ होगा तो वहाँ पर रिसर्च सेफ होगा, फिर वहाँ पर जानकारियाँ सेफ मिलेंगी, और यह समय बहुत नज़दीक आ चुका है क्योंकि इस समय में कई बार बदलाव भी करने गुंजाइश है, कई बार लैंडिंग साइट के बदलाव भी करने की गुंजाइश है, क्योंकि इसरो ने जो लैंडिंग साइट चुना था 2, उसमें से एक को तो उसने नेगलेक्ट कर दिया है और दूसरे लैंडिंग साइट को चूज कर लिया है। इसलिए अब इसरो हर एक पल चंद्रयान 3 पर नज़र बनाए हुए हैं। इसरो की टीम में एक्स्ट्रा टीम को ऐड किया गया है ताकि चंद्रयान 3 पर बारीकी से नज़र रखी जाए। तो इसरो की इस कामयाबी को देखकर, इसरो की इस मेहनत और डेडिकेशन को देख करके आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।